अगर इस सीक्वेंस को हमें याद करना हो, यानी अगर मुझसे कोई कहे बताइए थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन है और मेरे मुंह से अपने आप निकले लाल बहादुर शास्त्री, अगर मुझसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे बताइए नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारा और आप कहें इंस्टेंटली राजीव गांधी, 13th कौन है आप कहें अटल बिहारी वाजपेयी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जिकेट्रिक। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी प्राइम मिनिस्टर को सीक्वेंस से याद करने की ट्रिक देखने वाले हैं। एंड 100% मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के एंड तक आपको भारत के सभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीक्वेंस से याद हो जाएंगे। भारत के सभी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल में आपको मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। ट्रिक की तरफ चलें उससे पहले दोस्तों, अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक के सभी फाउंडेशन कोर्सेज, एग्जाम स्पेसिफिक कोर्सेज, PDF, ई-बुक, मॉक टेस्ट सभी का अगर सिंगल क्लिक एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारा ऑल इन वन पैकेज एनरोल कर सकते हैं। 1 साल और 3 साल की वैलिडिटी के साथ में ये अवेलेबल है। इसको ज्वाइन करने का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारी ट्रिक की तरफ, जिसे गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विनोद सर ने आपके लिए प्लान किया है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम यूज करते हैं हारमनी मेथड को एक टॉपिक याद करने में। टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ये देखिए मेरे पीछे एक लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, जिसमें भारत में अब तक जो जो प्राइम मिनिस्टर जब जब आए हैं उनकी सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस को हमें याद करना हो, यानी अगर मुझसे कोई कहे बताइए थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन है और मेरे मुंह से अपने आप निकले लाल बहादुर शास्त्री, अगर मुझसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे बताइए नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारा और आप कहें इंस्टेंटली राजीव गांधी, 13th कौन है आप कहें अटल बिहारी वाजपेयी, अगर आपसे कोई कहे बताइए 11th कौन है आप कहें चंद्रशेखर, 14th कौन है आप कहें HD देवगौड़ा, या आपसे कोई कहे 5 नंबर पे कौन से प्राइम मिनिस्टर है आप कहें इंदिरा गांधी। यानी ये सीक्वेंस आपको उल्टा सीधा बीच में से नंबर से हर जगह से याद हो जाए। ऐसा करने के लिए क्या लगता है आपको, अगर आप अपने पुराने तरीके से बार बार दोहराने वाले तरीके से यूज़ करें और परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए याद करना हो तो कितने रिविजन्स आपको करने होंगे, कितनी बार आपको रटना दोहराना होगा, या कितना टाइम आपको लग सकता है? बहुत सारा टाइम। लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसे याद कर सकते हैं ब्रेन साइंस टेक्निक से, और हमारा टेक्निक होगा हारमनी मैथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सीखा था हारमनी मैथड, हारमनी मैथड के कोड हमें ध्यान होंगे। अब हारमनी मैथड के कोड से वो जो पिक्चर्स हमने बनाए थे उनसे हम इन प्राइम मिनिस्टर को भी याद करेंगे। अब पहले बेसिक बात समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारा एक पिक्चर है और 1, 2, 3, 4 जो है ये सीक्वेंस, ये हमारा एक नंबर है। पहले हम नंबर को पिक्चर में बदलते हैं, वो उसके लिए हमने यूज़ किया हारमनी मेथड। प्राइम मिनिस्टर का भी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम है जो बोलने से आपके ब्रेन में उनका पिक्चर नहीं आता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ जवाहरलाल नेहरू, तो बोलते ही आपको शायद चाचा नेहरू दिख जाते हैं। मैं कहता हूँ राजीव गांधी, आपको शायद राजीव गांधी का इमेज आता है। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी, बोलते ही आपको नरेंद्र मोदी ही दिखाई देते हैं। मैं कहता हूँ मनमोहन सिंह, आपको ज़रूर दिखाई देते हैं मनमोहन सिंह। मैं कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी, यू हैव ऑलरेडी इमेज ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी इन योर ब्रेन। और अगर मैं कहता हूँ इंदिरा गांधी, तो यू डू हैव इंदिरा गांधी इन योर ब्रेन। लेकिन अगर मैं कहता हूँ गुलजारीलाल नंदा, या अगर मैं कहता हूँ चंद्रशेखर, या अगर मैं कहता हूँ मोरारजी देसाई, हो सकता है कि आपको कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर के नेम्स हैं जिनका नाम लेने पर उनका इमेज आपके ब्रेन में ना आए, या आप उन्हें ना जानते हो, या उनका पिक्चर आपने नहीं देखा हो। उस केस में हम क्या करेंगे, हम उनके नाम से भी पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक है पिक्चर टू पिक्चर कनेक्ट। सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है पिक्चर से पिक्चर को जोड़ने वाली मेमोरी। कैसे होगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने और समझने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे लेक्चर को बार बार सुनने की ज़रूरत है, सिर्फ उसको प्रैक्टिकल करते हैं आप समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। 1 का हारमनी था गन, और जवाहरलाल नेहरू आपके पास ऑलरेडी एक इमेज है। इमेजिन करिए कि जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज़ों को गन दिखा रहे हैं, उनके हाथ में गन है, वो हमेशा अपने पास गन रखते हैं, राइट। 2 का हमारा हारमनी कोड था जू, और सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं गुलजारी लाल नंदा। अब हम क्या करेंगे, जू तो हमें दिख गया, गुलजारी लाल नंदा देखने के लिए इस शब्द पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस वर्ड पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, इसको थोड़ा तोड़ते हैं, गुल जारी लाल नंदा, थोड़ा चेंज करते हैं, गुल गुलाब,
जारी झाड़ी, लाल लाल लाल, नंदा गंदा। अब सिर्फ क्या करना है, इमेजिन करिए कि आप जू में हैं, वहां आपने क्या देखा कि जितने भी जू में जानवर हैं उन सब के पास, उनके आसपास चारों तरफ गुलाब के फूल ही फूल हैं और झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, झाड़ियों पर गुलाब के फूल लगे हैं। पूरा जू के जितने भी जानवर हैं वो सब लाल कलर से पेंटेड हैं और बहुत गंदगी है जू में। तो आपने कहा जू बहुत गंदा है, गुलाब झाड़ी लाल और गंदा, याद आएगा गुलजारी लाल नंदा, और किससे याद आएगा, जू से। थ्री, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, थ्री हमारा कोड है बी, और थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री। इमेजिन कीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर बहुत सारी मक्खियां बैठ गई हैं। अगर बाई चांस आपको लाल बहादुर शास्त्री कहने से भी कोई इमेज नहीं आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके घर में बहुत सारी मक्खियां हैं और उन मक्खियों ने इतनी परेशान किया सबको कि आपको बड़ा गुस्सा आया, आपका मुंह लाल हो गया और आप मक्खियों को मारने के लिए बहादुरी से हर मक्खी को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, तो आप लाल और बहादुर हो गए, याद रख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री। फोर, फोर का हमारा कोड है रोर, शेर की दहाड़, और फोर्थ प्राइम मिनिस्टर हैं गुलजारी लाल नंदा अगेन। याद कैसे करेंगे, हमारे पास पहले से पिक्चर है गुलाब झाड़ी, अब सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, वो ही सीन याद कीजिए, जू में गुलाब के फूल थे, लाल रंग के जानवर थे, झाड़ी थी और गंदा हुआ था, अचानक से उस जू में पिंजरा तोड़ के एक शेर बाहर आ गया और वो दहाड़ने लगा और पूरा जू खाली हो गया, वहाँ पर रह गया सिर्फ एक शेर और उसका दहाड़ना, जिससे सारे गुलाब के फूल और जितनी भी झाड़ियाँ थी वो टूट टूट के नीचे गिर गई शेर के दहाड़ने से। बस इसे याद रखिए, शेर के दहाड़ने से गुलाब के फूल टूट गए, झाड़ियाँ टूट गई, बस इससे आपको वापस गुलजारी लाल नंदा याद आ जाएगा, आई एम श्योर। फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, याद कैसे करेंगे, इसके लिए फाइव का कोड क्या था हमारा, नाइफ। इंदिरा गांधी सबको, सबके पास इमेज होता है, इमेजिन करिए इंदिरा गांधी आपके घर के किचन में हैं और उनके हाथ में नाइफ है और उससे वो सब्जी काट रही हैं। सिक्स हमारा हार्मनी कोड है विक्स, और प्राइम मिनिस्टर हैं मुरारजी देसाई। आई एम श्योर कि मुरारजी देसाई बोलने से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, और हो सकता है आपने उन्हें ना देखा हो, तो पहले उन्हें पिक्चर में बदलते हैं, मुरारजी देसाई ये नाम आप देख रहे हैं। अब इसके पहले तीन लेटर पे ध्यान दीजिए, एम ओ आर, मोर। जब मैं कहता हूँ मोर तो आपके ब्रेन में कौन सा मोर आता है, आई एम श्योर पिकॉक मोर आ गया होगा, बस यही आपका इमेज है। चलो एक काम और करते हैं, देसाई से ले सकते हैं देसी, तो हम ले सकते हैं मोर देसी, मुरारजी देसाई का कोड बन जाएगा मोर देसी, देसी मोर, इंडिया वाले मोर, राइट। अब कैसे याद करेंगे, सिक्स किक्स, इमेजिन करिए आपके घर में एक मोर घुसाया, उसे भयंकर जुकाम हो रखा है, वो बिल्कुल जुकाम से और बुखार से पीड़ित होकर लेट गया और आप क्या कर रहे हैं, उसकी पूरी बॉडी पे विक्स लगा रहे हैं, मोर पे, ये देसी मोर है, विक्स लगाते ही ठीक हो गया, क्योंकि हम भी विक्स लगाने से ठीक हो जाते हैं। सेवंथ प्राइम मिनिस्टर, सेवन का कोड है हेवन, प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी चरण सिंह, कैसे याद करेंगे, इमेजिन कीजिए आप हेवन में गए, स्वर्ग में, वहां आपने देखा चाचा चौधरी बैठे हैं, अपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, चाचा चौधरी के सर पे सींग है और उन्होंने चरण पादुकाएं पहन रखी है, बस इसको आप याद रखिए, चौधरी चरण सिंह, कहां पर मिले वो आपको, हेवन में, याद रहेगा सेवन हेवन चौधरी चरण सिंह। एट्थ प्राइम मिनिस्टर, एट्थ प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, एट का हार्मनी कोड है गेट, इमेजिन करिए इंदिरा गांधी आपके घर के दरवाजे पे खड़ी हैं, आपने गेट खोला, सामने इंदिरा गांधी। नाइन प्राइम मिनिस्टर, नाइन का हमारा कोड है माइन, और प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी, कैसे याद करेंगे, इमेजिन करिए आपके पापा आपको लेकर गए एक गोल्ड माइन में, गुफा है अंदर, सोना ही सोना है, और उस गोल्ड माइन में सारा सोना पहन के बैठे हुए कौन, राजीव गांधी। टेंथ प्राइम मिनिस्टर, टेन का कोड है पेन, और प्राइम मिनिस्टर हैं वीपी सिंह, वीपी सिंह, वीपी सिंह, कैसे याद करें, वीपी वीपी वीआईपी, इमेजिन करो वीपी का कोड बना दे वीआईपी, आप बहुत वीआईपी हो गए हो, जहां भी जाते हो लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, आप वीआईपी पता क्यों हो गए हो, क्योंकि आपके पास एक स्पेशल पेन है, अगर वो पेन आपके पास है तो लोग आपसे हमेशा ऑटोग्राफ मांगेंगे और आप वीआईपी बन जाओगे,
जैसे ही वो पैन आप ऑन करते हो आपके सर पे सींग निकल आते हैं और हर व्यक्ति, हर इंसान, दुनिया का हर बच्चा या कोई भी आपको VIP मान लेता है। पैन से याद आएगा VIP, उससे याद आएगा VP सिंह। 11 प्राइम मिनिस्टर, 11 का हमारा जो हारमनी कोड है वो है लेमन और उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है चंद्रशेखर। बहुत सिंपल है, आप इस तरह से याद कीजिए कि आपको जब लेमन जूस पीना था तो आप कहाँ गए, चंद्रमा पे। चंद्रमा पर एक शिखर है, उस पर चढ़ करके वहाँ लेमन आपको मिले, वहाँ से आपने लेमन जूस पिया। इमेजिन कर लीजिए वापस से, लेमन जूस पीने के लिए चंद्रमा के शिखर पर, लेमन चंद्रशेखर, याद आएगा 11 लेमन चंद्रशेखर। 12 हमारा हारमनी कोड शेल्व और 12th प्राइम मिनिस्टर कौन है, 12th प्राइम मिनिस्टर हैं PV नरसिम्हा राव। कैसे याद करें, PV नरसिम्हा राव, PV को कर देते हैं TV, नरसिम्हा नरसिंह भगवान, अब कैसे याद करें, TV पे नरसिंह भगवान, और हमारा जो कोड है 12 शेल्व। इमेजिन करिए आपके घर की शेल्व में एक TV रखा है, ऑन कर रहे हैं तो उस पर नरसिंह भगवान की मूवी आ रही है और नरसिंह भगवान ने TV तोड़ करके आपके घर के अंदर एंटर कर लिया है। 13 कोड है हारमनी थर्स्टिंग और हमारा जो 13 प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कैसे हम याद करें, अटल बिहारी वाजपेयी और जोड़ना है हमें 13 को, तो कोड यूज़ करेंगे पानी की प्यास। इमेजिन करिए आपके घर में अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं, उन्हें बहुत तेज़ पानी की प्यास लग रही है, इसलिए आप अपने हाथों से उन्हें पानी पिला रहे हैं। 14 मॉर्टिन आपका कोड हो गया, इससे हम याद करेंगे 14 प्राइम मिनिस्टर वो है SD देवगौड़ा। इमेजिन करिए बाबा रामदेव घोड़े पर बैठकर आए, आपको उन्होंने मॉर्टिन दिया जिससे आपके घर के सारे मच्छर मर गए, पतंजलि का मॉर्टिन है ये। इसमें क्या सीक्रेट था या क्या कोड था, ढंग से समझते हैं। 14 मॉर्टिन रामदेव घोड़े पर, देव घोड़ा, SD देव घोड़ा, बस आपको इससे याद रहेगा। मॉर्टिन से याद आएगा बाबा रामदेव घोड़े पर और देव घोड़ा आपको याद आ जाएगा। 15 कोड है लिफ्टिंग और प्राइम मिनिस्टर का नाम है इंद्र कुमार गुजराल। इमेजिन कीजिए आप जिम में वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और आपके इंस्ट्रक्टर हैं स्वयं इंद्र भगवान, जो आपको वेट लिफ्टिंग करना सिखा रहे हैं, और जैसे ही आप वेट लिफ्टिंग करते हो इंद्र भगवान आपके ऊपर बारिश कर देते हैं। वेट लिफ्टिंग से बारिश और बारिश से इंद्र का याद आना आपको याद दिलाएगा 15 लिफ्टिंग इंद्र कुमार गुजराल। 16 कोड है स्वीट 16 और प्राइम मिनिस्टर का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। याद कैसे करें, इमेजिन करिए अटल बिहारी वाजपेयी एक छोटी सी 16 साल की जो बच्ची है या 16 साल की लड़की है उसे अवार्ड कर रहे हैं, उसको अवार्ड दे रहे हैं। आपके स्कूल में फंक्शन हो रहा है, 16 साल की एक लड़की ने अच्छा परफॉर्म किया, खुद अटल बिहारी वाजपेयी उसे अवार्ड कर रहे हैं, बस आपको इससे याद रहेगा 16 से स्वीट 16 और स्वीट 16 गर्ल से अटल बिहारी वाजपेयी। 17 का कोड है पेंटीन, प्राइम मिनिस्टर हैं 17th प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी। याद कैसे करेंगे, इमेजिन करिए मनमोहन सिंह जी अपने सारे बाल वॉश करते हैं पेंटीन शैम्पू से, उसका ऐड कर रहे हैं वो। 18 का कोड है बैटिंग, प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। कैसे याद करेंगे, इमेजिन करिए नरेंद्र मोदी जी आपके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और इस वक्त वो बैटिंग कर रहे हैं और आप बॉलिंग कर रहे हैं। अब है 19th और हमारे 19th प्राइम मिनिस्टर हैं अगेन नरेंद्र मोदी। कैसे याद करेंगे, 19 का कोड है कैंटीन और नरेंद्र मोदी जी कैंटीन में बैठ करके छोटे छोटे बच्चों को और गरीबों को खाना खिला रहे हैं और आपके साथ भी खाना खा रहे हैं। चलिए ये हमारे सारे कोड कंप्लीट हो गए क्योंकि अभी तक 19th प्राइम मिनिस्टर ही आए हैं और उनकी सीक्वेंस हमने देखी। अब मैं आपसे एक एक करके पूछता हूँ। 1 मैं आपके सामने कोड प्रेजेंट करूँगा, ट्राई कीजिए इमेजिनेशन में प्राइम मिनिस्टर का नाम रिकलेक्ट करने का। स्टार्ट करते हैं। 1 गन, आई एम श्योर आपके ब्रेन में आया जवाहरलाल नेहरू। 2 जू, आई एम श्योर आपके ब्रेन में आया गुलजारीलाल नंदा। 3 बी, आई एम श्योर आपको याद आया लाल बहादुर शास्त्री। 4 रोर, आई एम श्योर आपको अगेन याद आया गुलजारीलाल नंदा। 5 नाइफ, आई एम श्योर यू डू हैव अ पिक्चर ऑफ इंदिरा गांधी। 6 विक्स, विक्स से आपको याद आएगा मोरारजी देसाई। 7 हेवन, आई एम श्योर नाउ यू आर एट चौधरी चरण सिंह। 8
गेट, गेट बोलते ही आपको जरूर दिखना चाहिए इंदिरा गांधी। 9 माइन, गोल्ड माइन, कुछ याद आया? आई एम श्योर, राजीव गांधी। 10 पेन, आपका इंपॉर्टेंट पेन, उससे याद आएगा आपको वीआईपी वीपी सिंह। 11 लेमन, लेमन कहां मिले, याद आ जाएगा चंद्रशेखर। ओके, 12 शेल्फ, आपके शेल्फ में क्या, टीवी, टीवी पे कौन, नरसिम्हा, याद आएगा पीवी नरसिम्हा राव। 13 थर्स्टिंग, पानी की प्यास किसको लग रही थी, मेरे को लगता है कि आपको याद आ गया है, अटल बिहारी वाजपेयी। 14 मोर्टिन, ये रिडिकुलस सी पिक्चर याद आ रही है, मोर्टिन किसने दिया था, आई एम श्योर यू आर एट एस डी देव गौड़ा। 15 लिफ्टिंग, जिम में अपने आपको लिफ्टिंग करते हुए इमेजिन कीजिए और तो आपको मिल जाएंगे इंद्र कुमार गुजराल, 15 प्राइम मिनिस्टर। 16 स्वीट 16 गर्ल, बस इतना मैंने कहा, याद आ गया होगा अटल बिहारी वाजपेयी, 16 प्राइम मिनिस्टर। 17 से कोड याद आ रहा है आपको, कोड आप मेरे साथ देख भी सकते हैं, 17 का कोड है पेंटीन, पेंटीन शैम्पू, बोलते क्या याद आया आपको, आई एम श्योर मनमोहन सिंह। 18 बैटिंग, बैटिंग बोलते क्या याद आ रहा है, आई एम श्योर यू आर एट नरेंद्र मोदी। 19 कैंटीन, अगेन यू डू हैव नरेंद्र मोदी, याद हो गया ना आपको। ये एक ऐसा टेक्निक है जो हम जब पढ़ते जाते हैं, इमेजिन करते जाते हैं, एक बार जोड़ते हैं, बस इतनी सी मेहनत से वो आपको हमेशा के लिए याद होता है। कभी भी मैं आपसे पूछूं कहीं से भी, याद रखिए दोस्तों, आपको सिर्फ सीक्वेंस याद नहीं हुई है, आपको रैंडम भी याद हो गया है। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कौन थे हमारे 5 यानी 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर, 5 नाइफ, कुछ याद आया, आई एम श्योर इंदिरा गांधी। कौन थे 13 प्राइम मिनिस्टर, 13 थर्स्टिंग, पानी की प्यास, याद आया, आई एम श्योर अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे हमारे 2nd प्राइम मिनिस्टर, 2 जू, आई एम श्योर यू डू हैव गुलजारीलाल नंदा। कौन थे हमारे 17 प्राइम मिनिस्टर, 17 पेंटीन शैम्पू, आई एम श्योर मनमोहन सिंह। कमाल की बात है ना कि अब आपको इसी एक बार की मेहनत से ये आपको इस सीक्वेंस में सीधा, उल्टा, फॉरवर्ड, रिवर्स या रैंडम कहीं से भी याद है ना, टेक्निक कमाल का। यही था हमारा हार्मनी मेथड और इसका एप्लीकेशन। आगे हम और बातें करेंगे, बहुत सारे मेथड आएंगे और बहुत सारी एप्लीकेशंस। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बी लर्निंग, बी हैप्पी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके से ब्रेन साइंस का यूज़ करके कंटेंट को सिंपल करके याद करना चाहते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में एक इंटरेस्ट फॉर्म दे रखा है आपको, वो फॉर्म जरूर भरिएगा जिससे मुझे पता चल सके और इस तरीके से ब्रेन साइंस का यूज़ करके कंटेंट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए आने वाले टाइम में हम स्पेशल बैच भी प्लान करेंगे, तो अगर आपको पढ़ने का तरीका अच्छा लगा है तो इंटरेस्ट फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।